हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एग्जाम गुरु में। दोस्तों आज मैं आपको यहाँ पे इंडियन कोस्ट गार्ड सेट साइंस के यहाँ पे आपको टॉप 25 यहाँ पे क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। टॉप 25 यहाँ पे क्वेश्चन आपको कराऊंगा साइंस के, ठीक है। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, ठीक है। आप लोगों को पता है भाई काफ़ी मेहनत लगती है तो लाइक करिएगा। चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। प्रतिध्वनि सुनने के लिए न्यूनतम दूरी मीटर में आपको बतानी कितनी होती है प्रतिध्वनि सुनने के लिए, ठीक है। तो पहले का यहाँ पर राइट ऑप्शन आपका बनेगा सी ऑप्शन, 17 मीटर यहाँ पर राइट ऑप्शन बन जाएगा, ठीक। कहीं कहीं आपका 16.5 भी लिख के आ जाता है, ठीक है। 17 मीटर वैसे राइट है, लगभग के हिसाब से 16.5 भी मान लेते हैं लगभग के हिसाब से, ठीक है। 17 मीटर। अगला दिया, एक श्याम पट रंग में काला क्यों दिखाई देता है। चलो भाई इसको बताइए जरा, तो होता क्यों, क्योंकि वह सारे रंग को अवशोषित कर लेता है, ठीक है। अगला दिया गया, निम्नलिखित में से कौन सा एक संगणक या कंप्यूटर का मुख्य निकाय है। कंप्यूटर का मुख्य निकाय है तो मदरबोर्ड यहाँ पर राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा, तीसरे का डी ऑप्शन राइट ऑप्शन बन जाएगा। यहाँ पे अगला दिया गया, बिजली से धातु चढ़ाने की क्रिया या गैल्वनीकरण में निम्नलिखित में से किस धातु का प्रयोग किया जाता है। चौथे नंबर का ए ऑप्शन जस्ता मतलब जिंक मतलब जेडन, परमाणु संख्या 30, ठीक है। तो याद कर लेना, बिजली से धातु चढ़ाने की क्रिया या गैल्वीकरण में निम्नलिखित में से किस धातु का प्रयोग किया जाता है, जिंक मतलब जेडन 30 हो जाएगा। अगला दिया है, सूखी बर्फ या ड्राई आइस क्या होता है। सूखी बर्फ या ड्राई आइस क्या होता है। पाँचवें नंबर का यहाँ पे जो ए ऑप्शन है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ठीक है, मतलब कि CO2 ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है। सूखी बर्फ या ड्राई आइस होता है जो, ठीक है, ड्राई मतलब सूखा, आइस मतलब बर्फ, वही सूखी बर्फ जो होती है वो आपकी ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होती है CO2। अगला दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन जटिल पौष्टिकता स्तर को दर्शाता है। छठा नंबर प्रश्न का यहाँ पे जो सी ऑप्शन है, पारिस्थितिक तंत्र जो होता है आपका जटिल पौष्टिकता स्तर को दर्शाता है, पारिस्थितिक तंत्र। यहाँ पे जो छठवें का सी ऑप्शन राइट ऑप्शन बन जाएगा। अगला दिया, एक्स किरण की खोज किसने की थी। तो बताइए जरा, चार ऑप्शन को देख लीजिएगा, तो डब्ल्यू सी रौंजन तो आपको पता था, तो WC रौंजन है जो आपके एक्स किरण की खोज की थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है, पढ़ लेना। अगला दिया, सभी जटिल प्राणियों का शरीर केवल प्रकार के आधारभूत उत्कों का बना हुआ है। दसवें नंबर का यहाँ पर राइट ऑप्शन आपका डी पार्ट 4, ठीक है। फिर से पढ़ लेते हैं, सभी जटिल प्राणियों का जो शरीर है केवल 4 प्रकार के आधारभूत उत्कों का बना हुआ है। अगला दिया, वाह मीटर जो वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापता है उसे कहते हैं। वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापता है उसे क्या कहते हैं, वाहन द्वारा, ठीक है। 11 नंबर प्रश्न, इसका जो बी ऑप्शन है, पथमापी, पथ माने रास्ता मार्ग, वही सब दूरी वूरी से रिलेटेड है, मापक मापी हो जाएगा, पथमापी यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। पढ़ लेना आप लोग, तभी राइट ऑप्शन हो पाएगा। दाब का एसआई मात्रक पास्कल कहाँ है। दाब का एसआई मात्रक पास्कल हो गया, 12 का सी ऑप्शन राइट ऑप्शन यहाँ पे बन जाएगा, ठीक है। डिस्क का इंक्रिप्शन एक प्रौद्योगिकी के हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर है जहाँ भंडारण के पहले डाटा का इंक्रिप्शन किया जाता है। बताइए 13 नंबर का राइट ऑप्शन यहाँ पे बी पार्ट हो जाएगा पूरा। अगला प्रश्न दिया गया, चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर 25 आपको साइंस के क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। आपके पेपर में 10 मार्क्स की साइंस पूछी जाती है, 10 क्वेश्चन होंगे जिसमें की, ठीक है। निगेटिव मार्किंग इस बार बिल्कुल भी नहीं है, तो सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करिएगा। गेहूँ एक है, ठीक है, तो आपकी औषधि है, गेहूँ आपकी एक औषधि है, ये शायद आप लोगों को नहीं पता होगी, ठीक है। चलो भाई अगला देखते हैं, यहाँ पर दिया गया आपका, सांप कछुआ छिपली तथा मगरमच्छ जंतुओं किस श्रेणी में आते हैं। तो बताइए यहाँ पर दूसरे का सरीसृप के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। सरीसृप दूसरे का सी ऑप्शन राइट ऑप्शन बनेगा। मृदा में जल तनाव मापने के लिए प्रयोग किए जाने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है। तीसरे नंबर का यहाँ पर डी ऑप्शन तनाव मापी, तनाव मापने के लिए, तो तनाव मापी यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। बल का एसआई मात्रक क्या होता है, बल का एसआई मात्रक क्या होता है। चौथे का सी ऑप्शन, बल का मात्रक न्यूटन होता है, एसआई मात्रक हो जाएगा। पाँचवें नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बुरा ऊष्मा परिचालक है, ठीक है। पाँचवें का शीशा, यहाँ पे जो सी ऑप्शन है शीशा बुरा ऊष्मा परिचालक। निम्नलिखित में से कंप्यूटर में स्थायी रूप से डाटा संचित करता है। छठवें नंबर का डी ऑप्शन रोम होता है जो, ठीक है, रोम जो होता है वो कंप्यूटर में स्थायी रूप से डाटा संचित करता है, ठीक है, रीड ऑनली मेमोरी फुल फॉर्म। अगला दिया गया है, जंग लगना है आपका क्या होता है। देखो यहाँ पे जो रिडॉक्स अभिक्रिया होती है, ऑक्सीजन अपचयन दोनों होता है इसमें, जंग लगना। अगला दिया, निम्नलिखित में से कौन सा एक धनायन नहीं है, कौन सा एक धनायन नहीं है।
आठवें का जो सी ऑप्शन सल्फेट आयन है जो आपका एक धनायन नहीं है। निम्नलिखित में से कौन एक धूम कोयले का घटक नहीं है? नवा नंबर दिया गया तो डी ऑप्शन जो क्लोरीन ऑक्साइड जो होता है वो आपका एक धूम कोयले का घटक नहीं है। ठीक है, चलो अगला दिया पहली काम करने वाली लेजर का आविष्कार किसने किया था? भाई लेजर का आविष्कार पूछा गया साफ साफ, आप दसवें नंबर क्वेश्चन बताइए जरा। तो भाई टी एच मेमन थे, आपको बता भी चुके हैं टी एच मेमन ने लेजर का आविष्कार किया था। अगला दिया गया निम्नलिखित में से कौन से अंग से पेसमेकर संबंधित? हृदय से संबंधित है पेसमेकर। चलो दिल की धड़कन को नियंत्रित रखने के लिए पेसमेकर एक चिकित्सा उपकरण होता है जो, चलो होमोग्लोबिन जो होता है का मुख्य घटक है। 12 नंबर का राइट ऑप्शन बताइए क्या होगा। चलो भाई तो सबसे पहले आप लोग वीडियो को लाइक करो, लाइक नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना। इंडियन कोर गार्ड सेटेड किसी का भी रीजनिंग इंग्लिश मैथ साइंस किसी का भी अगर आपको प्लेलिस्ट चाहिए कमेंट में बता देना, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। ठीक है, आप लोग बस कमेंट बताना कि इस सब्जेक्ट की चाहिए, आप लोग बता दीजिएगा। इंग्लिश रीजनिंग मैथ किसी की भी सब कुछ मैंने करा के रखा काफ़ी, तो आप लोग बता दीजिएगा। अब बताइए हीमोग्लोबिन का जो मुख्य घटक है वो क्या होगा? 12 नंबर प्रश्न का बी ऑप्शन लाल रक्त कोशिकाएं। 13 नंबर प्रश्न दिया गया आपका निम्नलिखित में से किस कमी के कारण एनीमिया तो लोहे की कमी से हो जाएगा? ठीक है, सिंपल था, 13 का बी ऑप्शन राइट ऑप्शन है 13 का बी। अब दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। ठीक है, चलो भाई तो आप लोग बिल्कुल लाइक करिएगा और इसी तरह और भी प्रैक्टिस सेट देखने को मिलते रहेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा।